नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। देश के मौजूदा हालात पर जयपुर में दलित मुस्लिम एकता मंच एवं ऑल इंडिया पीस मिशन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां सभी धर्म के लोग शामिल हुए और आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव एवं मिशन 2024 को लेकर चर्चा की गयी। राजधानी जयपुर के आंको होटल में दलित मुस्लिम एकता मंच एवं ऑल इंडिया पीस मिशन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की गई। इसमें सरदार दया सिंह ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिम सिख को अलग अलग किया जा रहा है, इसके बगैर देश अधूरा है। सरकार को सोचना होगा, अन्यथा सरकार को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वहीं राजस्थान मुस्लिम तेली महापंचायत अध्यक्ष अब्दुल लतीफ और रारको ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश जिस हालात से गुजर रहा है, इससे बुरा वक्त देश में कभी नहीं देखा। आज हम डंका पीटते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन देश के मंदिर संसद में ही मुस्लिम सांसद के साथ अभद्रता की जाती है और तरह तरह के गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बेहद ही निंदनीय है। ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऑल इंडिया पीस मिशन, दलित मुस्लिम एकता मंच एवं प्रांतीय राजस्थान मुस्लिम टेली महापंचायत पूरे देश में तथा वर्तमान में राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा, अमन चैन कायम करने के लिए प्रयत्नशील है। मौके पर ऑल इंडिया पीस मिशन से सरदार दया सिंह, प्रांतीय राजस्थान मुस्लिम तेली महापंचायत अध्यक्ष अब्दुल लतीफ आरको और दलित मुस्लिम एकता मंच से रणजीत सिंह जाटव, झालावाड़ से पधारे मुस्लिम तेली महापंचायत प्रदेश उपाध्यक्ष फरीद चौधरी, गुज्जर महासभा कोटा संभाग अध्यक्ष सूरत राम गुज्जर, झालावाड़ एक्सप्रेस न्यूज भारत ब्यूरो चीफ आशिफ शेरवानी एवं बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। मेरा ये मानना है, ये आपका सवाल एकदम सही है कि कांग्रेस मुसलमानों की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है और मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो सब उलझे पड़े हैं। इसलिए मुसलमान क्या फैसला करेंगे, ये वाकई सोचने की बात है। मेरा इस मामले में ये मानना है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो नफ़रत के इस कदर बढ़ गए हैं, नफ़रत के मामले को इस कदर बढ़ा दिया है कि अगर कांग्रेस मुसलमानों का खुल के साथ देने को तैयार है तो हिंदू भिदक जाता है, और हिंदू जब भिदकता है तो कांग्रेस को पूरी को बीजेपी घेरने पे इस पे लग जाती है। तो मुसलमान ये समझे हुए हैं आज की तारीख में कि हमें बीजेपी को हराने के लिए अगर कांग्रेस हमारी तरफ पूरी तरह से खुल के तवज्जो नहीं भी दे रही है तो भी हम कांग्रेस को तवज्जो दिलाएंगे, और तवज्जो दिलाकर हम अपनी मांगें, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी तकलीफें हैं, उनके सामने रखेंगे। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं, हम इस सिलसिले में अशोक गहलोत जी से भी मिले हैं, दूसरे लीडरों से भी मिले हैं, और हमने अपनी कोशिशों के बाद तेली विकास बोर्ड बनवाया उनसे। ये मुस्लिम तेली विकास बोर्ड के नाम से हमने मांग की थी, उन्होंने अपनी मजबूरी बताते हुए हमें ये बात कही कि भाई मैं मुस्लिम लफ्ज़ इसमें नहीं डालूँगा। तो हमने सब ने हमारे जो पूरे राजस्थान का डेलीगेशन आया है, सोच विचार के ये तय किया कि हम कांग्रेस को हराना तो नहीं चाहते, कांग्रेस को तो जिताना चाहते हैं, इसलिए हम इसे भी बर्दाश्त करेंगे कि अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप तेली घाणी विकास बोर्ड बना दीजिए, और उन्होंने बना दिया, लेकिन अभी तक उसमें किसी को पद नहीं दिया। तो ये वाकई, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको नहीं दिया, औरों को भी नहीं दिया, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस हमारे साथ इंसाफ करेगी। और हमारे सामने जो कांग्रेस लीडरों से जो हमारी चर्चाएं हुई है और उनकी जो मजबूरियां हैं, तो हम पूरे मुसलमानों को इस बात के लिए अपील करेंगे कि हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि बीजेपी को जो भी हराए हमें वोट उसे देना चाहिए, और जो बीजेपी को हराए उसको हम वोट देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी अगर किसी तरह से कामयाब होती है और दूसरी पार्टी रह जाती है, तो जो यूपी की हालत बीजेपी ने की है उससे बुरी हालत राजस्थान की भी ये लोग करेंगे। इसलिए कि पार्लियामेंट जैसी जगह में एक एमपी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, और ट्रेन में नाम पूछ पूछ कर और गोली मारी जाती है,
और बच्चे को जब पढ़ रहा है स्कूल में तो मुसलमान होने की वजह से दूसरे बच्चों को पिटवाया जा रहा है, अब इससे ज़्यादा बुरा हाल क्या हो सकता है। यानी हमें कहीं हम सेफ नहीं हैं। नूह में चुन चुन कर 50 बुलडोजरों ने तमाम मुसलमानों के मकानात दुकानें सब तोड़ दिए, तमाम डिसमिस कर दिए। ये सब कुछ हम देख रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या समझ सकते हैं कि अगर हमने इस दफ़ा अगर हमसे चूक हो गई तो मैं समझता हूँ कि आने वाला 24 का जो चुनाव है इसके बाद ऐसा लगता है कि शायद दोबारा इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होगा। दोबारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या मिशन है? मेरा नाम दया सिंह है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया पीस मिशन की तरफ से, और मेरे साथ अब्दुल लतीफ़ आरको जो राजस्थान स्टेट के ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ है सब रंजीत सिंह जाटव दलित मुस्लिम एकता मंच जनरल सेक्रेटरी, फरीद चौधरी झालावाड़ से, माइनॉरिटी में कमीशन, आज हम आपके बीच में इसलिए आए कि 2024 का चुनाव हमारे सामने और राजस्थान का चुनाव भी हमारे सामने, और अकेला राजस्थान नहीं छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश भी, और ये 5 स्टेटों में ये इलेक्शन होगा। और मैं ये समझता हूँ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इलेक्शन जो है ये 2024 के चुनाव को तय करेगा कि 2024 में हम कहाँ खड़े होंगे। मैं कल गांधी वाटिका के लिए सेमिनार रखा गया था, उस सेमिनार में हमने भी अपनी बात कही। हमारे साथ बहुत सारे पत्रकार भी आए थे, ओम थानवी थे, राकेश पाठक भोपाल से थे, कुर्बान अली थे दिल्ली से, तो सब लोगों ने भी अपनी बातें कही। आज हम आपके बीच में इसलिए आ गए कि जिस हालात में इस समय देश चल रहा है तो सिख और मुस्लिम ख़ास तौर पर राजनीति से अलग थलग पड़ गया है, पिछले 10 साल का इतिहास हमें यही बताता। दूसरी बात हमारे सामने ये भी रही कि चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, इनको ऐसे हालात पर पहुंचा दिया है कि ये वोटर बनकर रह गए, इनकी राजनीतिक पोजीशन नहीं रही। हमने अभी गोदावरी से लेकर एक सतलुज तक एक अभियान की शुरुआत की है 12 सितंबर को, उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी पूना में। तो हमारा ये मानना था कि गोदावरी से, क्योंकि महाराष्ट्र आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये सभी इलाकों में, उसके बाद हरियाणा आएगा, और पंजाब के हालात जो मैं आपके सामने रखूँगा वो हालात हमारे सामने। तो हमने इस राजनीतिक चिंतन यात्रा अभियान का नाम दिया उसको कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। जिस देश में 80-20 का फार्मूला, 80-20 का फार्मूला चल पड़ा हो, और सरकार सीधे तौर पर कह रही हो और आरएसएस और बीजेपी सीधे तौर पर कह रही हो कि 80% हिंदू हैं और उसका 50% हमें वोट मिल जाए तो हमें कोई हरा नहीं सकता, उनके अंदर ये जो भावना पड़ी है तो इसका मतलब है कि 40% उन्होंने 80% का वोटिंग का राइट अपने पास रख लिया, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि सिख, मुस्लिम और दलित का कोई वोट डालें या ना डालें। दलित के सामने हमारा कई बार सवाल रहा और हमने दलित मंच पर ये बात कही कि दलित को भी सोचना पड़ेगा कि उनके पास 87 सीट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, रिजर्वेशन में उसके पास 87 सीट हैं। वो 87 सीट जब जीत कर जाते हैं, आज भी उसमें से 67 सीट बीजेपी के साथ खड़े हैं। सरकार आज अगर दलित चाहे तो आज ही सरकार को ख़त्म किया जा सकता है क्योंकि 67 उनके पास है। पर ये उनके मानस को देखना पड़ेगा कि वो क्या सोचते हैं। आज हमारे सामने दलित चिंतक भी बैठे हैं, हमें खुशी है कि वो भी अपनी बात कहेंगे। इंडिया अलायंस का गठबंधन किया गया है लेकिन उसमें मुस्लिम कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। मुस्लिम के 3 बड़े नाम हैं, ओवैसी साहब हैं, मौलाना बद्रुद्दीन अजमल साहब हैं और मुस्लिम लीग के, लेकिन उसमें कहीं मुस्लिम नज़र। आपने ये सवाल बहुत उचित और बड़े समय पर उठाया। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि इंडिया क्या जो गठबंधन आपने बनाया है, मैं आपसे ही सवाल पूछ लूँ कि केजरीवाल जो आपके खिलाफ दिल्ली मुक्त कर दिया उसने, कांग्रेस मुक्त दिल्ली कर दिया,
अब कांग्रेस मुक्त राजस्थान करवाना चाहते हो, अब कांग्रेस मुक्त बाकी भी करवाना चाहते हो, कांग्रेस मुक्त आपने पंजाब भी कर दिया, आपने गोवा में लड़ा इलेक्शन कांग्रेस मुक्त करवा लिया, आपने कर्नाटका में भी ये खेल खेला, तो जिन लोगों को आपने इंडिया अलायंस में लेकर आए क्या उनका ये तसल्ली है कि वो आपके साथ खड़े होंगे नहीं? और जिन लोगों को आपको खड़ा करना चाहिए था, मैं एक बात और बार बार कहता हूँ कि 2004 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का 145 आंकड़ा था कांग्रेस के पास, आपने प्रधानमंत्री बनाया सरदार मनमोहन सिंह को, और सरदार मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनते ही सरदार मनमोहन सिंह के कारण सिख और मुस्लिम आपकी तरफ बढ़ गए, जबकि सिख और मुस्लिम 1984 में आपने सिखों को पीटा और 1992 मुसलमानों को उसी हालात में और 2002 में किया, वही सिख और वही मुस्लिम मनमोहन सिंह के कारण आपकी तरफ बढ़ गया, और 2009 का चुनाव सरदार मनमोहन सिंह को सामने रखकर आपने चुनाव लड़ा, 145 के जगह 206 आए, जबकि वामपंथ भी खिलाफ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मनमोहन सिंह का जो पीरियड है वो इस देश की राजनीति में गोल्डन पीरियड लिखा जाएगा, सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। तो जो आप बात कर रहे हैं, हमारा ये मानना था कि जब उन लोगों को आप नज़दीक हैं तो फिर आपको ओवैसी में क्या तकलीफ़ थी, आपको अजमलक में क्या तकलीफ़ थी, आग में आप में सामने किसी को, इसका मतलब आपने मुसलमानों को केवल ये मान के लिया कि वो हमारा वोटर है, वो हमारे साथ वो जाएगा नहीं। और हिंदू वोट के लिए मैं एक बात जो आपने सवाल उठाया वो मैं साफ कर दूं कि 2014 में आपको वोट मिला 19%, और 2019 में जब हिंदू हृदय सम्राट था उनको अगर 37% वोट मिला तो आपको 19.6% वोट। क्यों क्यों आपसे नाराज मुसलमान और सिख हुआ जो मनमोहन सिंह के समय आपके साथ खड़ा था? नतीजा है आप मंदिर मंदिर घुमाने लगे, आप जनेऊधारी ब्राह्मण बनाने लग गए, आप वो सारे शिव भक्त बनाने लग गए, आपने सोचा कि हिंदू वोट ना टूटे मुसलमान तो हमें वोट डाल ही देगा। आपका नतीजा क्या निकला? आपको 44 मिले, उसके बाद 2019 में 52 मिली। तो क्या आप उसी रास्ते पर फिर जाना चाहते हो? ये सवाल होना चाहिए, यही सवाल हम इस राजनीतिक चिंतन अभियान में लेकर आ रहे हैं कि 22% वोट, 18 और 3% अगर मिला लो तो 21-22% वोट है। जब सिख आपके साथ आता है तो सिख अकेला सिख नहीं आता, मुस्लिम और हिंदू के बीच में वो कड़ी का काम करता है। 10% जो फ्लोटिंग वोट है उसका फर्क पड़ता है। 1952 से लेकर अगर आप चुनाव को देखें, इंदिरा गांधी के चुनाव तक मुसलमान और सिख आपके साथ खड़ा था, जैसे ही आपने वो हालात पैदा किए आपके सामने। तो हमारा ये मानना है कि जो इंडिया अलायंस आपने बनाया है, ये जो 1-to-1 का फार्मूला आपका है, ये 1-to-1 का फार्मूला बहुत गलत साबित होगा, क्योंकि आप तो मोदी जी को सीधा जिताने के रास्ते पर पड़ गए, तो वो तो हाईलाइट हो गया। आप वो सब की जगह प्रचार करेंगे कि मैं अकेला सब पर भारी पड़ गया, सारे इकट्ठे हो गए। तो मैं आज भी इस विचार का हूँ कि कांग्रेस को दोबारा चिंतन करना चाहिए, यूपीए वाला रास्ता ढूंढना चाहिए, जो आपके साथ खड़े होना चाहते हैं उनको अपने साथ लाओ और इलेक्शन लड़ो। सिख और मुस्लिम बिना किसी देरी के, बिना किसी आपसे कोई हिस्सा लिए, हाँ सिख और मुस्लिम ये तो मानता है कि हमारी अहमियत हो, हमारी हिस्सेदारी हो। अगर देश के हालात चल रहे हैं उनके बारे में हमारे विचार हैं। हमारे इस देश में हम दलित वर्ग ये सोचते थे कि हम अनटचेबल हैं और हम अकेले हैं और बाकी कौम एक साथ हैं। हमें कुछ सालों से ये महसूस हो रहा है कि हम अकेले नहीं, अब अनटचेबल धार्मिक आधार पर भी हो गए हैं, वर्ग के आधार पर अनटचेबल हो गए हैं। तो इस तरह से एक एक करके हमारे देश के लोगों को अलग किया जा रहा है। हमारा देश किसी एक जाति धर्म वर्ग का नहीं है, बल्कि ये सब ने खून पसीने की कमाई से और उसके मेहनत करके हमने इस देश को बनाया। आज हमारे इस देश में हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने ये रखा, हमने सोचा कि जो हमारा नया संसद भवन बना है, ये जो रूलिंग पार्टी है ये बहुत अच्छे अनुशासन में इस सत्र को, विशेष सत्र को आयोजित करेगी। और हम सोच रहे थे कि शायद विपक्ष कोई गलत बातें करेंगे उनके सदस्य, लेकिन उल्टा ऐसा हुआ कि जो रूलिंग पार्टी अपने आप को अनुशासित मानती है उन्होंने इस जो मंदिर है हमारा लोकतंत्र का उसमें सर्वनाक हरकत की। आपको पता है कि आज तक हमारे इस इतिहास में
जब से संविधान लागू हुआ है ऐसी हरकत कहीं नहीं हुई। ये शर्मनाक हरकत है। ये बताती है कि हम इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इसलिए जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं ये अलायंस बना रही हैं, हमें जन अलायंस बनाना चाहिए जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, सिख, आपके मुस्लिम हैं और भी माइनॉरिटी जो हैं उन सबको इकट्ठा होकर के जन अलायंस बनाना चाहिए। और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जो इस तरह के जहर इस समाज में फैलाना चाहती है, इस देश में फैलाना चाहती है, इस देश की एकता अखंडता को चूर करना चाहती है, उसके खिलाफ़ हमें एकजुट हो जाना चाहिए। क्योंकि आज एक पार्टी ने ये काम किया है, कल दूसरी पार्टी करेगी, तीसरी पार्टी करेगी, और इस तरह से इस देश में जो भाईचारा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें भाईचारा कायम करने के लिए हमें जन अलायंस बनाना चाहिए और ऐसी पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए जो कि धर्म के आधार पर हमें लड़ाती हैं, जहर फैलाती हैं, जाति के आधार पर है। अब तो ऐसा लगता है कि पहले तो दलित जब बैठता था तो उसके साथ में छुआछूत की भावना होती थी, अब कोई सिख बैठ जाता है पास में, मुस्लिम बैठ जाता है तो उसको भी अनटचेबल मानने लग गई। तो इस देश के हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं और हमें सोचना पड़ेगा। बड़े भाई दया सिंह जी जो आज हमारे बीच हैं, हमारे मुस्लिम तेली समाज के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल जनाब अब्दुल की वारको साहब और रणजीत सिंह जी, अभी जैसा दया सिंह जी ने बताया कि देश में जो हालात हैं उनको लेकर आप और हम क्या सोचते हैं, हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपनी बात को सबके बीच भेजना चाहते हैं कि देश में आज क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह देश का विभाजन करने पर आज के जो सत्ताधारी लोग हैं वो आमादा हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें सबको मिलकर इस देश को सही दिशा देने के लिए, चाहे वो हमारे एसटी के साथी हों, हमारे सिख भाई हों, मुस्लिम भाई हों, दलित हों, हमें सबको पीस मिशन के माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए आज़ादी से पूर्व से आज आप देखें तो आज़ादी में सिर्फ इन लोगों का ही नाम नहीं था, आज़ादी में हमारे ओलमाओं ने, हमारे सिख ग्रंथों ने, हमारे दलित भाइयों ने अपना खून पसीना बहाकर इस देश को आज़ाद कराया है। लेकिन आज बंटवारे के नाम पर, जैसा अभी हमारे दया सिंह जी ने बताया कि 2080 का जो मामला ये बना के जो चल रहे हैं, ये भारत नहीं है, ये भारत का कल्चर नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है। जहां मुस्लिमों ने एक पंचर जोड़ने वाले से लेकर मिसाइल बनाने वाला तक दिया देश को, देश का प्रथम शिक्षा मंत्री दिया है, देश का राष्ट्रपति दिया है, बड़े बड़े साइंटिस्ट दिए हैं, देश को एक सिख प्रधानमंत्री दिया है जिसने पूरे विश्व में जब मंदी का दौर था तो भारत की आर्थिक स्थिति को इतनी मजबूत बनाए रखा कि वो इतिहास का एक हिस्सा बना है। लेकिन आज देश जिन हालातों पर जा रहा है आपको और हमको सबको समझना पड़ेगा। जिस तरह माइनॉरिटी में बोर्ड बना दिए गए हैं, सरकार को चिंतन करना चाहिए। 4 दिन बाद 6 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है। अभी हाल ही में मुस्लिम तेली बोर्ड बनाया गया है, यानी कि तेली घाणी बोर्ड, उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। हम क्या मान के चलें, हमें गुमराह किया जा रहा है या हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है? हमारे एसटी के जो बोर्ड बनाए हैं उनमें चेयरमैन बना दिए हैं तो उनको हक और हुकूक और अधिकार नहीं दिए, स्टाफ नहीं दिया है। तो हमारी पीस मिशन के माध्यम से हर आवाम से, आम और ख़ास आवाम से इल्तिजा रहेगी कि हम सबको समझना पड़ेगा, देश को बचाना है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इन्हीं बात को लेकर हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की है। हम ये कहना चाहते हैं कि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र और जिस ज़िले से आता हूँ झालावाड़ से, मेरी विधानसभा क्षेत्र है झालरापाटन। झालरापाटन में 2,96,000 मतदाता हैं जिनमें से 55 से 60 हज़ार मतदाता मुस्लिम हैं, लेकिन पिछले 35-40 सालों से मुस्लिम को वहाँ कोई टिकट नहीं दिया गया है। हमारी ये मांग चल रही है मुख्यमंत्री से और कांग्रेस के बड़े लीडरों से और जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ उनसे कि झालावाड़ सहित हमारे हाड़ौती में जो 17 सीटें आती है उनमें से कम हमें 4 सीटें मुस्लिमों को मिलना चाहिए और हमारे जो हक और हुकूक हैं उनके बारे में सरकार को चिंतन और मनन करना चाहिए।